भाई मैं रिकी शर्मा और ये है दिल्ली की रशियन वंशी का। तो दिल्ली की रशियन में ऐसी क्या क्वालिटी, दिल्ली की रशियन की बताओ। इंडिया में इंडिया का माल महंगा होता है ना, इंडिया का माल महंगा होता है, लेकिन तेरे को ये कैसे लगा कि तू रशियन है? अरे वो लोगों ने नाम दिया है मेरा। लोगों ने दिया क्या? थोड़ा लुक भी ऐसा, फेस कट भी ऐसा। अच्छा अच्छा, तो चल कर लेते हैं, एक एक कर ही लेते हैं। चलो बैठो वंशी का, बैठ बैठ, हमें जाना स्टेडियम। आजा भाई आजा, ये लो। तो वंशिका जो कि दिल्ली की रशियन के नाम से काफी फेमस, और अब वंशिका मेरे साथ काम करी ना, पक्का चलो आ जाओ। तो मैं तुझे ना सभी ऑडिशन के लिए, मतलब कि मैं लेके जाऊंगा यहाँ पे रोडीज में। चलो आप आयो, ठीक है, फिर उसके बाद। हाँ, इसका चैनल क्या, चैनल बता दूंगा, वंशिका धनकर के नाम से इसका चैनल है। दिल्ली की रशियन इसको क्यों कहा जाता है मेरे को ये समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे रशियन बोला और 6,000 की बात आई तो इसने 6 करोड़ बोला, ठीक है। तो मेरा दिल किया कि मैं इससे बात करूं, क्योंकि इंडिया का माल महंगा होता है ना, इसीलिए। क्या बात है, क्या बात है, रशिया का माल सस्ता होता है, इंडिया का माल महंगा होता है, इंडिया की ये इंडिया की है। और इसने ना पता एक्चुअली क्या कि कुछ गलतफहमी दूर कर दी है, ठीक है, और मुझे काफी मजा आया इस बात में। ये बंदी वो बंदी मिली मेरे को, मैं सोच रहा था कि मैं इससे बात करूं, नहीं दूर से दिखी पर्सनालिटी, इसके साथ दो बंदे खड़े थे, तो मैंने सोचा यार पहले मैं इनसे बात करूं, लेकिन मैंने सोचा नहीं डायरेक्ट पार्टी से बात करते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं इसको कैसे बात करूं, कैसे नहीं, लेकिन फाइनली मैंने कुछ ऐसा किया, लेकिन वंशिका में क्वालिटी थी, तो ये कंटेंट क्रिएटर है, तो इसको समझ में आ गया कि हाँ ये बंदा जेन्युइन बंदा है, ऐसे तो बात नहीं करते, लेकिन काफ़ी मजा आया। वंशिका अब तेरे को मान ले कि कौन मिलेगा यहाँ पे, लड़की कौन सी पसंद आ रही तेरे को यहाँ पे, यहाँ पे रोडीज में जज तो पाएगी ना, रिया चक्रवर्ती, अगर वो है तो उसी का नाम ले रही। अच्छा एक बात बता, जो नहीं, वो अच्छी लगती है, मतलब अच्छी लगती है, मूवी देखी है, मूवी देखी, सॉन्ग देखी, मुझे वो बहुत पसंद है। क्या बात है। और ये वानी को जानते हो? वानी जो रोडीज में बहुत थी, रोडीज में आई थी लड़की, टैटू टैटू जो बॉडी, जानते ना। तो ये लड़की ना बानी की तरह बिंदास लड़की यार, कसम से। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये उसी तरह ना, टैटू तो खानी हो या ना हो, लेकिन उसी तरह काम करे, इसमें टैलेंट तकड़े वाला भाई, बोलने के लिए कैमरा पे फूट-फूट के टैलेंट भरा हुआ मेरे अंदर भाई, पता नहीं टैलेंट फूट-फूट के भरा है, जोश देख लो, क्या पता निकल ना जाए जोश वहां पर। अच्छे अच्छे नहीं, पर मैं मोटिवेट जरूर करूंगा भाई, मैं तो मोटिवेट करेगा मेरे को। ये देखो ये मिले थे, ये समझ में नहीं आ रहा ऐसे बंदों की दोस्त कैसे मिल जाती है भाई। एक डायलॉग चल रहा है कि बंदों का ना पैंट इसकी निकल निकल के पड़ रही है, ये निकल निकल के बोल रहा है बंदा, देखो ये लड़की ना, मतलब कि एक नंबर है, बोलने मस्त है, लेकिन भाई जैसे इसने अपनी बॉडी बनाई ना, जैसे ही मोटी तू वैसे मत होना वैसे नहीं हुआ, तू वैसे काम छोड़ दे, अपने आप हो जाएगा, वैसे काम करते ही का है। कुछ भी ये भाई बंदे की हालत देख, आप लोग जानते होगे ना, अगर इनका ब्लॉग देखते हो, मेरे को पता है जानते ही होगे, जानते हैं, हाँ ठीक है जानते ही होगे मैं क्या करता हूँ। तो ये सब वीडियो से ही होता है, शूट करने से होता है, डाइट नहीं ले पाते नहीं, वही इस बंदे की ना, जो मतलब रियल हूँ मैं फेक नहीं हूँ, और मैं भी रियल हूँ, क्योंकि आपने सुना ही होगा रोडीज में जा रहा, तो भाई रियल पर्सनैलिटी लेके जाओ। ये काफी इन हाथों का इस्तेमाल करता है कैमरा हैंडल करने में, देखो देखो हाथ देख के पता लगता है, देखो लकीर भी मिट गई भाई, हाथ देख के पता लगता है, अगर मेरे हाथ कैसे होते ना तो दिख जाता भाई, भाई बढ़िया। मैं सच्ची कह रहा अगर ऐसी बात पे ना ध्यान मत देना गाइस, ठीक है, प्लीज 18 प्लस मैं अगर इसकी फैमिली से कोई भेज दे रहा ना, तो मैं उनको बोलूँ लड़के का ध्यान रखें, आप अकेला ना छोड़ें उसको, घर पे तक नहीं जाएगा। वैसे मजा कई कई बंदों के देख सुन इधर ऐसे करते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं इसको, एक्चुअली क्या होता है कि कई कई बंदे ना नेचुरल जो होते हैं, मतलब कि वैसे होते हैं जो पतले से होते हैं, हाँ, वो नेचुरल वाले, लेकिन अभी क्या बताइए प्रोटीन खाने का शौक इसको पड़ गया है, बोल प्रोटीन खाया था एक टाइम पे, खाया था एक टाइम पे खाया था, पर रियली खाया था, टोकन फेक नहीं खाता मैं कोई चीज, खाया था रियल, रिजल्ट आया था फेस पे, रिजल्ट आया था, गड़बड़ हो गया फेस, पर वही हुआ छोड़ दिया, तो नॉर्मल हो गया, ट्राई जरूर किया था, चीजें ट्राई करी थी,
तो भाई बात ये फाइनली मिला के इस लड़की को ब्लॉग बनाना ठीक है, आप अपना मोबाइल निकालें और अपना वीडियो शूट करें ठीक है, कोई नहीं चलने दे लेके जाएगा। तो एक्चुअली ये कि कभी कभार ऐसा होता ना कि आप ऐसे भी था ऐसे ही था सामने, चलो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।